सभी को नमस्कार। जनरल साइंस को आगे बढ़ाते हुए हमने ये पहले पढ़ा था कि संतुलित आहार के कौन कौन घटक थे। तो घटक में सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लिया था। तो आज पढ़ते हैं प्रोटीन। आज हमारा दूसरा पॉइंट है प्रोटीन। प्रोटीन संतुलित आहार के घटक का दूसरा पॉइंट था प्रोटीन। अब देखो, सबसे पहले देखते हैं कि इसकी खोज किसने की थी और ये प्रोटीन नाम दिया था ये किस वैज्ञानिक ने दिया था। ये कौन सा घटक है संतुलित आहार का दूसरा घटक है, उसका नाम क्या है? प्रोटीन। अब प्रोटीन की खोज की थी मुलक्कर ने। किसने की थी? मुलक्कर ने। और इसका नाम दिया था बर्जिलियस ने। इसका नाम किसने दिया था? बर्जिलियस ने। और इसकी खोज किसने की थी? मुलकर ने इसकी खोज की थी। और इसका प्रोटीन नाम दिया था ये कौन से वैज्ञानिक दिया था? बर्जिलियस ने दिया था। अब देखो, प्रोटीन का कार्य क्या क्या होता है। ये हमारे शरीर के निर्माण में आवश्यक होता है। अब देखो, ये शरीर के निर्माण में आवश्यक कैसे होता है कि हमारे शरीर में जो हड्डियाँ होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। उसके बाद में प्रोटीन क्या होता है, यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जो एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है कि इसकी खोज किसने की थी? मुलक्कर ने। इसका प्रोटीन नाम किसने दिया था? बर्जिलियस। इसका कार्य क्या होता है? ये शरीर के निर्माण में क्या होता है? आवश्यक होता है। और ये क्या होता है? ये एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जो एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रोटीन होता है किससे मिलकर बना होता है? एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। अब देखो, यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा, सर एमिनो अम्ल क्या होता है? तो ये कार्बन होता है। कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? 4 संयोजकता होती है। अब देखो, कार्बन, उसके बाद में OH जुड़ा होता है, COOH जुड़ा होता है, उसके बाद में एक क्या हो जाता है? CH3। क्या हो जाता है? CH3। इस फॉर्मूले को क्या बोलेंगे? एमिनो अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल किस किस का योगदान होता है? NH2 का, OH का, CH3 का और COOH का। उसके बाद देखते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। सबसे पहले अपने दिमाग आते हैं इसकी खोज किसने की थी? मुलक्कर ने। इसका नाम किसने दिया? बर्जिलियस। ये क्या होता है? ये एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जो एमिनो अम्ल से बना होता है और ये हमारे शरीर के निर्माण में आवश्यक होता है। उसके बाद में जिस तरह से हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से प्रोटीन की इकाई क्या होती है? तो प्रोटीन की इकाई होती है एमिनो अम्ल। क्या होती है? एमिनो अम्ल। क्योंकि ये किससे मिलकर बना होता है? एमिनो अम्ल के बहुलक से मिलकर बना होता है। तो इसकी इकाई क्या होगी? एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड। टू द पॉइंट लिखते जाओगे। कोई भी क्वेश्चन यदि आएगा तो अपन इजी वे में कर लेंगे। अब उसके बाद इसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? अब देखो, मैंने एमिनो अम्ल का सूत्र क्या बताया था? तो क्या सर, NH2, COOH, OH और CH3। तो उसमें कौन कौन से पदार्थ उपस्थित होते? एक कार्बन था, एक हाइड्रोजन था, एक ऑक्सीजन था और एक नाइट्रोजन था। उसके बाद इसमें अन्य तत्व होते हैं सल्फर और फॉस्फोरस। कौन कौन से होते हैं? सल्फर और फॉस्फोरस। तो याद करने का आसान तरीका क्या होगा? कौन एस पी। कौन में कौन कौन आ गया? एक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस। यहाँ पर क्वेश्चन बन चुका है पटवार या पुलिस में किस तरह से क्वेश्चन बन चुका है कि वह कौन सा तत्व है जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है? वह कौन सा संतुलित आहार है जिसमें क्या उपस्थित होता है? नाइट्रोजन। तो वो कौन सा है? प्रोटीन। किसमें उपस्थित होता है नाइट्रोजन? प्रोटीन में उपस्थित रहता है। किसमें उपस्थित रहता है? प्रोटीन में। अब देखो, इसमें आवश्यक तत्व कौन कौन से है? तत्व उपस्थित कौन कौन से? एक होता है कार्बन, दूसरा कौन सा होता है? हाइड्रोजन। तीसरा कौन सा होता है? ऑक्सीजन। और चौथा कौन सा होता है? नाइट्रोजन। कौन सा होता है? नाइट्रोजन। और कौन सा होता है? सल्फर और फॉस्फोरस। अब इसकी ट्रिक क्या होगी? कौन एस पी। उसके बाद में जो ये प्रोटीन होता है, ये 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। कितने प्रकार के एमिनो अम्ल से? ये एमिनो अम्ल कितने प्रकार के एमिनो अम्ल से बना होता है? 20 प्रकार से।
देखो एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोटीन होता है कितने प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, 20 प्रकार के। कौन से 20 प्रकार? इसमें भी ये जो 20 प्रकार होते हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल, ये हो गया एमिनो एसिड, और एक होता है अनावश्यक। अब देखो आवश्यक और अनावश्यक में क्या अंतर होगा? आवश्यक होते हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, जो प्रोटीन हमारे शरीर में नहीं बनते हैं उनको क्या बोलेंगे? आवश्यक, नहीं बनते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है। आवश्यकता कब होती है? जब हमें उनकी उपस्थिति नहीं होती है, तो ये हमारे शरीर में उपस्थित नहीं होते हैं या ये हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, तो ये क्या होते हैं? ज़रूरी होते हैं। और ये होते हैं अनावश्यक, जो हमारे शरीर में बनते हैं, उनको क्या बोलेंगे? अनावश्यक। जो हमारे शरीर में नहीं बनते उनको क्या बोलते हैं? आवश्यक प्रोटीन या आवश्यक एमिनो अम्ल बोलते हैं। और उसके बाद जो अनावश्यक होते हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं, उसके बाद आता है, अब देखो जो ये आवश्यक होते हैं इनको क्या हमारे शरीर में नहीं बनते, ये क्या कहाँ से लेने पड़ते हैं? बाहर से लेने पड़ते हैं, और ये हमारे शरीर में ही बन जाते हैं। उसके बाद जो आवश्यक होते हैं उनमें क्या उदाहरण होता है आवश्यक होते हैं? वो होते हैं, एक होता है मिथियोनिन और दूसरा होता है लाइसिन। एक होता है एम और एल, यानी मिथियोनिन और लाइसिन। लाइसिन नाम का एमिनो अम्ल होता है जो हमारे शरीर में नहीं बनता है, वो हमें बाहर से लेना पड़ता है। वो कौन कौन से होते हैं? इसके उदाहरण क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिथियोनिन किसका उदाहरण है? तो आवश्यक एमिनो अम्ल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? आवश्यक एमिनो अम्ल का उदाहरण है। तो देखो एम मतलब हो गया मिथियोनिन, एम मतलब मिथियोनिन, और एल का मतलब हो गया लाइसिन। अब उसके बाद आता है अनावश्यक। अनावश्यक में होता है जी और टी, ग्लाइसिन और टायरोसिन। देखो अनावश्यक में कौन होता है? जी और टी, ग्लाइसिन और टायरोसिन। ठीक है, अब देखो इसके उदाहरण क्या क्या हो गए, या इसके जो आवश्यक कौन कौन से हो गए प्रोटीन, तो हो गए एक जी और टी, जी का अर्थ होता है ग्लाइसिन और टी का अर्थ क्या हो गया? टी का अर्थ हो गया टायरोसिन। क्या हो गया? टायरोसिन, टायरोसिन। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। मैंने सबसे पहले क्या बताया कि प्रोटीन इकाई क्या होता है? एमिनो अम्ल। इसमें आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर फॉस्फरस। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक बन चुका है और भी आगे बनने की संभावना है कि वह कौन सा एमिनो अम्ल है जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है, वो कौन सा है? प्रोटीन है। उसके बाद ये एमिनो अम्ल होते हैं या ये प्रोटीन होता है कितने प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है? 20 प्रकार के। 20 प्रकार इसमें से 10 होते हैं जो आवश्यक होते हैं और 10 होते हैं जो अनावश्यक होते हैं। जब आवश्यक में कौन कौन से होते हैं? आवश्यक वो कौन से होते हैं प्रोटीन जो हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, वो कौन से होते हैं आवश्यक? आवश्यक में इसका उदाहरण कौन सा है? एम और एल। एम का अर्थ होता है मिथियोनिन, एल का अर्थ होता है लाइसिन। उसके बाद अनावश्यक होते हैं जो हमारे शरीर में बन जाते हैं, जिनकी हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती है। ये होता है जी और टी, जी का अर्थ होता है ग्लाइसिन और टी का अर्थ होता है टायरोसिन। क्या हो गया? टायरोसिन। यहाँ तक सभी लोग लिख लोगे, जब मैं लिखता हूँ तो आप साथ साथ में बोलते जाओगे ताकि आपको हाथों ये सारे याद हो जाएंगे। उसके बाद आता है इसका जो प्राप्ति स्थल होता है या जो प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। टू द पॉइंट पढ़ेंगे, सबसे पहले इकाई पढ़ ली, इसमें कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं, इसका क्या क्या कार्य होता है, उसके बाद में ये कितने प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है, तो सर 20 प्रकार से। उसके बाद एक ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, इसका प्राप्त स्थल क्या होता है। अब देखो सबसे पहला इसका प्राप्त स्थल होता है एक कलोरे शैला सवाल होती है, कलोरेला सवाल, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद आता है सोयाबीन, उसके बाद आता है अन्य में आ जाएगा मांस, उसके बाद आ जाएगा अंडा आदि। देखो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? एक क्लोरेला सवाल होती है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद में आता है सोयाबीन, सोयाबीन में पाया जाता है 40-45%, कितना? 40-45%। उसके बाद अन्य आते हैं, अन्य में आ जाता है मांस, अंडा आदि में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो सबसे पहले अपनों को याद ये रखना है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? क्लोरेला में पाया जाएगा। क्लोरेला सवाल होती है, उसमें क्या पाया जाता है?
सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है उसमें। उसके बाद पाया जाता है दाल में, दाल में भी सोयाबीन, सोयाबीन में कितना पाया जाता है 40 से 45%। उसके बाद अन्य में आ जाता है कि मांस वगैरह है, अंडा वगैरह है, दूध वगैरह, ये सब्जियों में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। अब उसके बाद में जिस तरह से मैंने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था कि जो पहलवान होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो खेल के पूर्व या खेल के बाद में किसका सेवन करते हैं, किसका सेवन करते हैं, सभी लोग बोलो कार्बोहाइड्रेट का। किसका करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद में तो प्रोटीन का सेवन कौन करते हैं, क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोटीन का सेवन कौन करते हैं, तो गर्भवती, गर्भवती महिला व पहलवान सवेरे या सुबह के आहार, आहार या भोजन, भोजन में प्रोटीन का सेवन करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि इनके अंदर मसल्स का निर्माण हो सके या रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण हो सकता है। गर्भवती महिला होती है और जो पहलवान होते हैं, सुबह के आहार या भोजन में किसका सेवन करते हैं? प्रोटीन का सेवन करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कैसे बन सकता है कि गर्भवती महिला होती है वो सुबह आहार में किसका सेवन करती है, तो प्रोटीन का सेवन करती है, और पहलवान होते हैं वो भी किसका सेवन करते हैं, प्रोटीन का सेवन करते हैं, और जो खिलाड़ी खेल के पूरे बाद में किसका सेवन करते हैं, सभी लोग बोलो किसका सेवन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं। उसके बाद आता है कि प्रोटीन के प्रकार, क्या आता है? प्रोटीन के प्रकार। जिस तरह से हमने कार्बोहाइड्रेट के प्रकार बताए, उसी तरह प्रोटीन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार आता है कि सरल प्रोटीन, प्रोटीन के प्रकार, प्रोटीन के प्रकार। जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ वो आप साथ साथ में लिखते जाएंगे ताकि अपने नोट्स तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले आता है कि सरल प्रोटीन या सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन। अब देखो इसमें सबसे पहला प्रकार आता है, सबसे पहला प्रकार आता है कौन सा प्रकार आएगा? केराटीन, वेरी इंपॉर्टेंट। केराटीन प्रोटीन वो किसका प्रकार है? सरल प्रोटीन। उसमें सबसे पहला आ गया केराटीन, जो हमारे शरीर में बॉडी निर्माण होता है, जो बॉडी का निर्माण होता है, बॉडी निर्माण में सहायक होता है। कौन सा प्रोटीन होगा? केराटीन प्रोटीन। अब देखो इसमें सबसे पहला आता है एक नाखून, क्या होता है? नाखून। अब देखो सींग हमारे नहीं होते लेकिन मनुष्य को होते हैं, तो उसके निर्माण होता है। एक होता है खुर, क्या होता है? खुर। और वो होता है, चौथा होता है बाल। आदि के निर्माण में किसका सहायक होता है या कौन सहायक होता है? केराटीन। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बॉडी निर्माण में सबसे ज़्यादा सहायक कौन सा प्रोटीन होता है, तो केराटीन होता है। क्या होता है? केराटीन। अब देखो केराटीन में किस किस का निर्माण होगा? नाखून का, सींग जो पशुओं में होते हैं, खुर भी क्या होते हैं? पशुओं में होते हैं, और बाल आदि का निर्माण में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है, तो केराटीन। कौन सा होता है? केराटीन। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनना है कि नाखून, नाखून किसके निर्मित होते हैं, कौन से प्रोटीन से निर्मित होते हैं? केराटीन। सींग या जो पशुओं में सींग या खुर होते हैं, खुर, खुर से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि खुर के निर्माण में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है, तो केराटीन। देखो जो पिछली बार क्वेश्चन आए वो भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा कि खुर, खुर के निर्माण में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है, तो केराटीन। केराटीन से किसका निर्माण होता है? खुर, सींग, नाखून, बाल आदि का निर्माण होता है। उसके बाद आता है इलाइडीन, दूसरा आता है इलाइडीन, इलाइडीन। इसके अंदर भी नाखून का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नाखून का, और इसको अन्य नाम से जाना जाता है जीवित प्रोटीन। अब देखो जीवित प्रोटीन को किस नाम से जाना जाता है? इलाइडीन। इलाइडीन का अन्य नाम क्या है? जीवित प्रोटीन। देखो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है, अपने को हर प्रकार से तैयार रहना है कि इलाइडीन का अन्य नाम क्या है? जीवित प्रोटीन। उसके बाद में कि इलाइडीन का क्या काम होता है? नाखून के निर्माण में ये सहायक होता है। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आता है ओसिन। अब देखो नाम से लिख रहा है ओसिन, ओसिन, ओसिन से किसका निर्माण होता है? हड्डियों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हड्डियों का। हमारे शरीर में जो हड्डियाँ बनी होती है वो कौन से प्रोटीन से मिलकर बनी होती है? ओसिन नाम के प्रोटीन से बनी होती है। हड्डियों के निर्माण में किसका सहायक होता है? ओसिन, ओसिन नाम के प्रोटीन का सहायक होता है। उसके बाद आता है कोल्ट्रीन, क्या आता है? कोल्ट्रीन, कोल्ट्रीन नाम का एक प्रोटीन आता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें पुलिस 2008 में क्वेश्चन बन चुका है। किस प्रकार से क्वेश्चन बन चुका है कि जो उपास्थियाँ होती हैं वो किस प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जो उपास्थियाँ होती है वो किस प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, तो वो होती है
कोर्टिन प्रोटीन नाम से मिलकर बनी होती है। उसके बाद आता है कि ये कोर्टिन है इसमें कार्टिलेज कार्टिलेज या उपास्थियाँ कौन से प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, कोर्टिन नाम के प्रोटीन से मिलकर बनी, जो हमारे जो हड्डियाँ होती है, एक ये हड्डी और ये हड्डी इस बीच में तो ये जॉइंट होता है, इस तरह से ये लचकदार होता है, लचीलापन हड्डियों के अंदर लचीलापन कौन से प्रकार के प्रोटीन से आता है, तो कोल्डिन नाम के प्रोटीन से आता है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया कि जो हमारे दो हड्डियों के बीच में या दो हाथ होता है उसके बीच में जो लचीलापन होता है वो किस प्रकार के प्रोटीन के होता है, वो होता है कोल्डिन प्रोटीन। किस प्रकार के प्रोटीन के कारण होता है, कोल्डिन प्रोटीन के नाम से होता है, कोल्डिन प्रोटीन कार्टिलेज यानी उपास्थियाँ का निर्माण में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है, कोर्टिन प्रोटीन सहायक होता है। उसमें क्या होता है, लचीलापन आ जाता है शरीर में, क्या आ जाता है, लचीलापन हो जाता है। उसके बाद आता है मोयासिन, क्या आ जाता है, मोयासिन या एक्टिन, पांचवा आ जाता है मोयासिन। ये सारे किसके प्रकार है सर, प्रोटीन के प्रकार है। प्रोटीन में हम पांचवा पढ़ रहे हैं मोयासिन, देखो नाम से लग रहा है मैं, तो इसमें आ जाएगा मांसपेशियाँ, जो हमारे शरीर में मांसपेशियों के निर्माण में कौन सा प्रोटीन सहायक है, तो सर सहायक है मोयासिन, या इसका दूसरा नाम क्या है, एक्टिन। क्या नाम है, एक्टिन। अब जो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, हमको हर प्रकार से तैयार रहना है कि मांसपेशियाँ कौन से प्रकार के प्रोटीन से निर्मित होती है, तो मोयासिन, कौन सा, मोयासिन। अब देखो कोर्टिन में क्या होती है, उपास्थियाँ किसके निर्माण में सहायक होती है, तो कोर्टिन नाम के प्रोटीन से किसका निर्माण होता है, उपास्थियाँ। हमारे शरीर में जो दो हड्डियों के बीच में ये लचीलापन आता है उसमें कौन सा प्रोटीन सहायक होता है, तो कोर्टिन नाम का प्रोटीन सहायक होता है। उसके बाद आता है छठा नंबर फाइब्रिनोजन, क्या होता है फाइब्रिनोजन, देखो ऊपर लिख लेता हूँ, सरल प्रोटीन का प्रकार है, छठा प्रकार है फाइब्रिनोजन, क्या आ जाता है फाइब्रिनोजन छठा प्रकार है फाइब्रिनोजन। उसके बाद आता है सातवां प्रकार, क्या आ जाता है प्रोथोबिन, क्या आ जाता है प्रोथोबिन। अब देखो ये सारे एक ही प्रकार के निर्माण में सहायक होते हैं, इसलिए मैं तीनों साथ में लिखा लेता हूँ। एक आ जाता है ग्लोबुलिन, क्या आ जाता है ग्लोबुलिन, ये सब हमारे शरीर में ब्लड के निर्माण में सहायक होते हैं, किसके निर्माण में, ब्लड या रक्त, ब्लड या रक्त। उसके बाद यहाँ पर लिख रहा है आपको ग्लोबिन मतलब होता है हीमोग्लोबिन। अब देखो ग्लोबिन नाम से लिख रहा है ग्लोबिन यानी होता है हीमोग्लोबिन। देखो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो नाम से पता लग जाता है। देखो यहाँ पर क्या होता है ग्लोबिन मतलब होता है हीमोग्लोबिन को लिखते हैं HB। अब देखो हमारे शरीर में जब रक्त की कमी हो जाती है, कल भी मैंने लिखा था रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है, बोलो सभी लोग क्या हो जाता है एनीमिया। कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है, किसकी कमी से, रक्त की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। अब देखो हमारे शरीर में देखो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, कौन सी धातु उपस्थित होती है, फेरस या Fe+2, फेरस इसको बोलते हैं फेरस, जब इसके ऊपर +2 अंक लिखे हुए तो उसको बोलते हैं फेरस, और जब इसके ऊपर +3 लिखे होते हैं उसको बोलते हैं फेरिक। ये केमिस्ट्री में आते हैं सारे, ये फेरस +2 इसको आयरन के ऊपर जब +2 उपस्थित हो तो उसको बोलते हैं फेरस, आयरन ऊपर जब +3 उसको फेरिक। लेकिन अपन यहाँ पर याद ये रखना है कि हीमोग्लोबिन कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। अब देखो रक्त की उपस्थिति, रक्त को बढ़ाने में कौन सा प्रोटीन काम आता है, ग्लोबुलिन, कौन सा आता है ग्लोबुलिन यानी ग्लोबिन मतलब होता है हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन यहाँ रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। अब देखो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है, फेरस। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है हीमोग्लोबिन कौन सी धातु, तो फेरस। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग, एनीमिया। अब देखो हीमोग्लोबिन किससे बनता है, तो ग्लोबिन नाम के प्रोटीन से बनता है। इस तरह से टू द पॉइंट पढ़ेंगे तो सारे पॉइंट अपन को याद हो। उसके बाद आता है हीमोग्लोबिन अपन ने पढ़ लिया, उसके बाद आता है फाइब्रिनोजन, कौन सा है फाइब्रिनोजन। अब देखो नाम से लिख रहा है कि फाइब्रिनोजन, तो ये किस में उपस्थित होगा, फाइबर या रेशम में। अब ये किस में उपस्थित होगा, रेशम या रेशम में। रेशम में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है, तो क्या फाइब्रिनोजन। अब देखो क्वेश्चन बन रहे हैं सारे इस तरह से, मैं टू द पॉइंट आपको लिखाऊं कि फाइब्रिनोजन में कौन सा किससे बना होता है, तो रेशम से बना होता है। रेशम में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है, फाइब्रिनोजन, कौन सा होता है फाइब्रिनोजन। उसके बाद आता है एल्बुमिन, कौन सा आता है एल्बुमिन,
उसके बाद आता है एल्बुमिन, तो ये किस में उपस्थित होता है, अंडों में। अंडों में कौन से प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, तो कहे सर एल्बुमिन। एल्बुमिन किस में पाया जाता है, तो अंडों में पाया जाता है। उसके बाद आता है 11वां कैसिन, क्या जाता है कैसिन, तो कैसिन किस में उपस्थित होगा, दूध में। किस में, दूध में। देखो सारे प्रकार अपन किसके पढ़े हैं, प्रोटीन के प्रकार पढ़े हैं। पहला प्रोटीन का प्रकार पढ़ा है सरल प्रोटीन। सरल प्रोटीन में अपने पढ़ लिया कि फाइब्रियोन, फाइब्रियोन, प्रोथियोन और ग्लूबुलिन किस में उपस्थित होता है, तो क्या सर ब्लड, ब्लड के निर्माण में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है, फाइब्रियोन, प्रोथियोबियोन और ग्लूबुलिन। देखो ग्लूबिन मतलब हो गया हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु उपस्थित, फेरस, फेरस जब प्लस दो उपस्थित हो उसको बोलते हैं फेरस, प्लस तीन तो फेरिक, उस धातु कौन सी है, एपी। उसके बाद आता है सर कौन सा प्रोटीन, फाइब्रियोन, फाइब्रियोन जो रेशम होता है उसमें कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है, तो क्या फाइब्रियोन। उसके बाद एल्बुमिन, एल्यूबिमिन, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन मतलब अंडों में, अंडों में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है, तो क्या एल्ब्यूमिन। और कैसिन, कैसिन मतलब होता है दूध, दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है, कैसिन। मिल्क में उपस्थित होता है कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है, तो क्या सर कैसिन उपस्थित होता है। उसके बाद आता है जब बच्चों, बच्चे जब दूध को पचा देते हैं तो उसमें कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है, ये क्वेश्चन पूछा था किसी भी एग्जाम पूछा गया था पहले, कि जब बच्चे दूध को पचा लेते हैं तो उसमें कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है, बच्चे दूध को पचाने में, बच्चों के दूध या बच्चे जो दूध पीते हैं पचाने में सहायक एंजाइम, बच्चों के दूध को पचाने या बच्चे जो दूध पीते हैं उसको पचाने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है, रेनिन। आपने नाम सुना होगा रेनिन एंजाइम, कौन सा एंजाइम, रेनिन, रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम किस किस में सहायक होता है, जो बच्चे दूध पीते हैं उसको पचाने में रेनिन एंजाइम का सहायक होता है। उसके बाद आता है कैरोटीन प्रोटीन, कौन सा आता है, कैरोटीन प्रोटीन। अब देख दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैरोटीन पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे, कैरोटीन प्रोटीन, आपने गाय के दूध का पीलापन देखा होगा, गाय के दूध का पीलापन, पीलापन कौन से प्रोटीन के कारण होता है, कैरोटीन। कौन से प्रोटीन के कारण होता है, कैरोटीन। कैरोटीन प्रोटीन किसमें सहायक होता है, गाय के दूध को पीलापन करने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है, तो क्या सर कैरोटीन। जब बच्चे दूध पीते हैं उसको पचाने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है, तो रेनिन एंजाइम। कौन सा एग्जाम, कौन सा एंजाइम, रेनिन एंजाइम। अब देखो क्वेश्चन किसके प्रकार से बन सकते हैं, रेनिन एंजाइम का क्या कार्य होता है बच्चों में दूध को पचाने में। अब देखो कैरोटीन प्रोटीन का क्या कार्य होता है, तो गाय के दूध का पीलापन। ये पहला प्रकार पढ़ लिया था प्रोटीन का, कौन से प्रोटीन प्रकार थे, सरल प्रोटीन। कौन सा प्रकार था, सरल प्रोटीन। उसके बाद आता है संयुग्मी, संयुग्मी प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन। अब देखो नाम से लग रहा है कि ये किसी के साथ युग्म बना रहे हैं या जोड़ा बना रहे होंगे। देखो एक जोड़ा क्या होगा, इकाई क्या होती है प्रोटीन की, तो क्या सर एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड। अब एमिनो एसिड के साथ कुछ पदार्थ होंगे वो उसका क्या बनाएंगे, संयोग बनाएंगे, उसको बोलेंगे जैसे कि फेरस, ग्लूकोज है। अब देखो क्या क्या बना सकते हैं इनके साथ, एक हो जाता है फेरस, एक बना सकता है ग्लूकोज और एक बना सकता है लिपिड, इसके साथ संयोग बना सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, संयुग्मी प्रोटीन। देखो एमिनो अम्ल के साथ जो संयोग बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, संयुग्मी प्रोटीन। देखो एमिनो अम्ल क्यों है, क्योंकि प्रोटीन की क्या होती है, एमिनो अम्ल होती है। उसके बाद इनके साथ संयोग कौन कौन बना सकते हैं, युग्म कौन बना सकते हैं, एक फेरस बना सकते हैं, ग्लूकोज बना सकता है और लिपिड बना सकता है, इसको क्या बोलेंगे, संयुक्त रूप को क्या बोलेंगे, संयुग्मी प्रोटीन बोलेंगे। अब देखो इसमें सबसे पहला प्रोटीन कौन सा आएगा, तो आएगा ग्लाइको प्रोटीन। क्या आएगा, ग्लाइको प्रोटीन, नाम से लग रहा है ग्लाई को प्रोटीन। अब देखो इसमें किस किस का युग्म होगा, एक तो मैंने बता दिया कि एमिनो अम्ल होगा, ये क्या होगा, एमिनो अम्ल होगा। अब देखो ग्लाइको मतलब हो गया ग्लूकोज, दूसरा क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। नाम से पता लग जाता है, अपन यदि ध्यान से पढ़ते हैं तो कोई भी क्वेश्चन हर्ड नहीं होता है, क्वेश्चन में आंसर होता है। तो यहाँ पर आ जाता है ग्लाइको प्रोटीन में कौन कौन से युग्म होते हैं, तो एक हो गया सर क्या क्या हो गया, एमिनो अम्ल और ग्लूकोज। मैंने बताया कि एमिनो अम्ल के साथ ये युग्म बनाएंगे, कौन बनाएगा, एक
फेरस लोहा बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, एक लिपिड बनेगा। अब देखो सबसे पहले मैंने बताया कि ग्लाइकोप्रोटीन, क्या बताया? ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन नाम से लग रहा है कि ग्लाइको यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज किसके साथ युग्म बनेगा? अमीनो अम्ल के साथ बनेगा, तो इसको बोल देंगे ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोल देंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। अब उसके बाद आता है लाइकोप्रोटीन, क्या आएगा? लाइकोप्रोटीन। दूसरा प्रोटीन आ गया लाइकोप्रोटीन। अब देखो लाइकोप्रोटीन मतलब हो गया, एक तो हो गया अमीनो अम्ल, क्या हो गया? अमीनो अम्ल, उसके साथ आ गया लिपिड। देखो क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं आपको टू द पॉइंट सारे पॉइंट लगा रहा हूँ कि भाई देखो ग्लाइकोप्रोटीन किसका युग्म होता है, तो अमीनो एसिड और ग्लूकोज, उसके बाद लाइकोप्रोटीन मतलब अमीनो एसिड और लिपिड, मैंने ये तीन पॉइंट लगाए, तो इसी तीन प्रकार से ये प्रोटीन के प्रकार बनेगा। अब तीसरा आ जाएगा, देखो पहला क्या आ गया? ग्लाइकोप्रोटीन, दूसरा आएगा लाइकोप्रोटीन, तीसरा आ जाएगा हीमोग्लोबिन। क्या आ जाएगा? हीमोग्लोबिन। पीछे मैंने लिखा है हीमोग्लोबिन के बारे में, हीमोग्लोबिन। देखो हीमोग्लोबिन नाम से पता लग रहा है कि इसमें कौन सी धातु होती है, तो सर हमको याद है, तो कौन सी याद है बोलो, कौन सी धातु होती है? तो क्या सर एपी यानी फेरस यानी लोहा। कौन सी धातु होती है? लोहे की धातु होती है फेरस। अब देखो तीनों आपको आसानी से याद हो गए। कैसे याद होंगे? सर ग्लाइकोप्रोटीन ग्लूकोज और अमीनो एसिड का युग्म होता है। देखो ग्लाइकोप्रोटीन अमीनो अम्ल और क्या होगा, किसका युग्म होता है? लिपिड का होता है। और हीमोग्लोबिन मतलब किसका होगा? अमीनो अम्ल और फेरस या लोहा धातु का युग्म होता है। अब देखो मैंने सबसे पहले आपको हिंट दे दिया कि इसमें युग्म बनेगा तो किसके साथ बनेगा? अमीनो अम्ल के साथ युग्म बनेगा। तो सर ये जो प्रोटीन बना होता है इसका बहुलक होता है, किसका? अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। इसके साथ युग्म बनाएगा कौन? बनेगा फेरस। फेरस बनेगा तो इसको बोलेंगे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनेगा। यदि ग्लूकोज बनेगा इसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, यदि फेरस या लिपिड बनेगा लिपिड को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो क्या सर समझ में आ गया। ठीक, उसके बाद आता है कि ये इसका व्युत्पन्न कहाँ कहाँ से होता है, तो व्युत्पन्न हो जाता है जल अपघटन से हो जाता है, और उसके बाद हो जाता है कि ये तो जल अपघटन के बाद जो प्रोटीन बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न प्रोटीन बोलते हैं। एक पॉइंट आता है कि व्युत्पन्न प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन का अर्थ होता है। अब तीसरा पॉइंट आ गया व्युत्पन्न प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन, जब इस प्रोटीन का क्या हो जाता है? जल अपघटन हो जाता है। प्रोटीन का जल अपघटन तो क्या बनता है? व्युत्पन्न प्रोटीन बनता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है जब प्रोटीन का क्या हो जाता है? जल अपघटन हो जाता है। तीसरा प्रकार कौन सा हो गया व्युत्पन्न प्रोटीन, इसमें क्या याद रखना है कि जल अपघटन होने पर कौन सा प्रोटीन का निर्माण होता है? तो व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण होता है। इसका उदाहरण क्या आ जाता है? एक उदाहरण आ जाता है पेप्टोन, एक उदाहरण आ जाता है पेप्टोन, और दूसरा उदाहरण आ जाता है पेप्टाइड। देखो जो भी पॉइंट लिखा रहा हूँ आप सभी को याद होने चाहिए, और सारे पॉइंट आपको एक बुकलेट में अपने लिखे होने चाहिए। कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है कि पेप्टोन किसका उदाहरण है? तो सर व्युत्पन्न प्रोटीन का उदाहरण। पेप्टाइड किसका उदाहरण है? तो सर व्युत्पन्न प्रोटीन का उदाहरण है। व्युत्पन्न प्रोटीन कैसे बनता है? तो सर जब प्रोटीन का जल अपघटन हो जाता है तब क्या बनता है? व्युत्पन्न प्रोटीन बनता है। अब उसके बाद जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कौन सा पॉइंट है? तो प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, अब देखो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन बताएगा? क्योंकि मैंने आपको जब बताया था कि संतुलित आहार के घटक में बताए थे कि प्रोटीन की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, तो मैंने लिखा था कि दो प्रकार के रोग हो जाते हैं। कितने प्रकार के रोग हो जाते हैं? तो क्या सर दो प्रकार के रोग हो जाते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए। सारे पॉइंट में टू द पॉइंट लिखाऊंगा तो आप कहीं ना कहीं आप ये पॉइंट सारे पढ़े होंगे और आपको मिल जाएंगे कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन से। एक तो होता है सर क्वाशियोकोर, नाम सुना है? तो क्या सर हाँ सुना है। कहाँ सुना है? तो क्या सर आपने जब जल अपघटन पढ़ाया था, सॉरी जब संतुलित आहार पढ़ाया तब यहाँ लिखा था कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सर एक क्वाशियोकोर और होता है मेराश्मस, दूसरा हो जाता है मेराश्मस। अब देखो कौन से रोग हो जाते हैं? क्वाशियोकोर और मेराश्मस। अब देखो क्वाशियोकोर किस में हो जाता है? जो धनी परिवार होते हैं। देखो धनी परिवार के ये दोनों रोग बच्चों में होते हैं, तो ये धनी परिवार के बच्चों में हो जाता है। इसका लक्षण क्या हो जाता है? तो सर लक्षण हो जाता है पेट बड़ा हो जाता है, बाकी शरीर दुबला पतला रहता है और पेट बड़ा
हो जाता है या पेड़ फूल जाता है। देखो जब ये धनी परिवार के बच्चों में होता है तो ये किसमें होगा, ये होगा गरीब परिवार के बच्चों में, गरीब परिवार के बच्चों में। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा कि सर प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो दो प्रकार के रोग हो जाते हैं, एक होता है क्वाशियोकोर, दूसरा हो जाता है मेरास्मस। मेरास्मस और क्वाशियोकोर किन में होता है, तो सभी दोनों प्रकार के रोग बच्चों में हो जाता है। देखो जो क्वाशियोकोर होता है वो धनी परिवार के बच्चों में इस प्रकार का रोग हो जाता है, इसका लक्षण क्या होता है, तो सर पेट बड़ा हो जाता है या फूल जाता है। और जब गरीब परिवार के बच्चों में जो रोग होता है वो होता है मेरास्मस, और इसके लक्षण क्या होते हैं, तो सर ये पूरे शरीर से क्या होता है, दुबला पतला होता है, दुबला पतला, यानी हड्डियां अपन आराम से उसकी गिन सकते हैं। तो इसके लक्षण क्या होते हैं, पूरा दुबला पतला होता है। इसका लक्षण क्या होता है कि इसका पेट क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो इसका निवारण क्या होता है, तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग प्रोटीन को बढ़ा लेते हैं, अपना जो आहार लेते हैं या भोजन ग्रहण करते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा, भोजन में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाकर, भोजन में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाकर इस रोग को कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्योंकि ये लोग चावल ज़्यादा खाते हैं तो चावल में प्रोटीन नहीं होता है, इसलिए चावल क्या करता है कि शरीर को फुला देता है। उसके बाद होता है कि इसका लक्षण क्या है या इसको दूर करने में क्या योगदान देता है, तो भोजन में कैलोरी को यूज़ किया जाता है, भोजन में कैलोरी को बढ़ाकर, भोजन में कैलोरी को बढ़ाकर इस रोग को कम किया जा सकता है, किया जा सकता है। अब देखो दो पॉइंट पढ़ लिए, क्या पढ़े सर, प्रोटीन कमी से दो रोग होते हैं क्वाशियोकोर मेरास्मस। क्वाशियोकोर धनी परिवार के बच्चों में होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, पेट फूल जाता है, इसको कम सर इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो भोजन में प्रोटीन लेना चाहिए। उसके बाद सर मेरास्मस किसमें होता है, तो गरीब बच्चों में होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, दुबला पतला होता है, पूरा शरीर क्या होता है, दुबला पतला या कुपोषण का शिकार हो जाता है। उसके बाद सर इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, अपने भोजन में कैलोरी का यूज करना चाहिए। दोनों पॉइंट आपको क्लियर होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे आप आरएस का एग्जाम दे रहे हो, पटवारी का दे रहे हो, चाहे आप पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद पॉइंट आता है कि प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दाल या सोयाबीन खाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दाल या सोयाबीन खाना चाहिए। उसके बाद ये पॉइंट अपन यहाँ तक सारे पॉइंट पढ़ लिए, किसके पॉइंट पढ़ लिए सर, प्रोटीन के पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, प्रोटीन के। प्रोटीन का सबसे पहले अपन को याद क्या रखना है कि प्रोटीन किस किन तत्वों से मिलकर बना होता है, तो सर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस। देखो यहाँ पर सबसे पहले तत्व होता है, उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि नाइट्रोजन किस में उपस्थित होता है, तो नाइट्रोजन नाम का पदार्थ किस में उपस्थित होता है, प्रोटीन के निर्माण में उपस्थित होता है। प्रोटीन इकाई क्या होती है, अमीनो अम्ल इकाई होती है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है कि हमारे हड्डियाँ या शरीर के निर्माण में कौन सहायक होता है, तो प्रोटीन सहायक होता है। उसके बाद देख लिया कि आवश्यक और अनावश्यक तत्व होते हैं या अमीनो अम्ल होते हैं। उसके बाद देखा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, देखो क्वाशियोकोर और मेरास्मस, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है कि प्रोटीन की कमी से, आरएस मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटीन की कमी से कौन से रोग, दो रोग हो जाते हैं, तो हमको क्वाशियोकोर और मेरास्मस इसको पूरे डिटेल में लिखना था। अब देखो हमारी आज सातवीं क्लास थी, यदि आप पहली बार आज हमारा वीडियो देख रहे हो तो आपको यदि जनरल साइंस को अच्छे वे में पढ़ना है, तो मेरी सबसे पहले आप मेरे प्लेलिस्ट में सारी क्लासें दे रखी थी, उनको सभी क्लासें आप आराम से ले ताकि साइंस को अपन ईजी वे में पढ़ सके। सबसे पहले यदि आप हमारे न्यू व्यूअर हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यदि आपको मेरा चैनल नहीं मिल रहा तो आपको हैशटैग सुरेंद्र एकेडमी नाम से यूट्यूब पर सर्च करना है और मेरी फोटो लगी होगी वो आपको चैनल जाके सब्सक्राइब करना है और वहाँ के पास में बेल आइकन है उसको दबाना है ताकि आपको नई वीडियो मिल सके। मैं आशा करता हूँ कि जो मैं क्लासें पढ़ा रहा हूँ वो आपको इजी में समझ में आ रहा हूँ। मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि आपको साइंस को इजी में पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको एक पेन होनी चाहिए, एक नोट्स कॉपी होनी चाहिए, उसमें आपको मैं जो टू द पॉइंट लेकर आऊँ वो सभी आप पॉइंट नोट कर लोगे ताकि आपको साइंस में सारे क्वेश्चन आ रहे हैं वो आराम से पढ़ सके। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तो सभी को धन्यवाद, जय हिंद।